साथियों का कुछ ख्याल नहीं। अरे अजय साहब, वो तेरे को शौक नहीं है क्या? अरे भाई, देखने को तो बड़ा चंगा लगता है, अंदर की क्या बात है? अजय को ऐश नहीं, कैश से मतलब है। सारा रुपया घसीट कर अपनी तिजोरी में बंद कर लेना चाहता है। जोरू भली भला ना भैया, सबसे भला रुपया। हाँ, रुपए के लिए बीवी लड़का लड़की सब भूल चुका। पर दौलत के बाद अगर कोई चाहता है तो सिर्फ अपने भाई विजय की। अरे भाई, वो भी एक अजीब सरफिरा है। सोना चांदी हीरे जवाहरात की स्मगलिंग उसके घर में सब अलाउड है। डोब और एलएलसी के नाम से बस है। अपने अपने उसूल है। अरे लानत भेजता उसके उसूलों पर। गुड़ खाना और गुलगुलों से परहेज। अगर तुम्हारा भाई भी तुम्हारे जैसा होता तो सिंडिकेट के मारे नारे हो जाते। सुरेश, ये क्या हालत बना रखी है? तुम अपनी जान का दुश्मन बने हो? ये नशा तुम्हें खत्म करके रख देगा, समझे? अंकल, जीना भी कौन कमबख्त चाहता है। ये जिंदगी तो मुझ पे बोझ बन चुकी है। जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना ही अच्छा है। सुरेश, ऐसी नाउम्मीदी की बातें क्यों करता है? सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। समाज सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। जिधर भी जाता हूं लोग नफरत की निगाहों से देखते हैं मुझे। मुल्क और कौम के दुश्मन स्मगलरों की औलाद आ रही है। खैर छोड़िए अंकल, मैं तो आपको मुबारकबाद देने आया हूं। क्या आपने अपनी जमीर की आवाज सुन ली और बुरे कामों से तौबा कर ली? काश डैडी किसी ने दिल होता।
डैडी भी एक दिन सही रास्ते पे आ जाएंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा अंकल। उनको अपनी औलाद या मूल से नहीं, दौलत से मोहब्बत है। और मैं उस दौलत को बर्बाद करके ही मरूंगा। सिंडिकेट का जो माल आ रहा है, ना तो वो डैडी को ना उनके साथी को मिलेगा। उस पर सब पुलिस कब्जा कर लेगी। तुम्हें उस माल की कैसे खबर पड़ी? डैडी गोदाम में फोन कर रहे थे, मैंने सबको सुन लिया। बेटे भूल जाओ उन सब बातों को। अगर तुमने कोई भी गलत कदम उठाया तो हम सबकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। पड़ती है तो पढ़ने दो, मैंने तो कस्टम में खबर कर दी। ओ, ये तुमने क्या किया? जो मुझे करना चाहिए था। गगन साहब गजब हो गया, 4 नंबर गोदाम पर कस्टम और पुलिस ने छापा मारकर सारा माल पकड़ लिया। क्या? ये कैसे हो सकता है? अजय तुम्हारे हमारे और विजय के अलावा किसी को मालूम नहीं था कि सामान कहाँ है। तुम और हम तो हो नहीं सकते। इसका मतलब है गद्दार विजय हुआ। बकवास मत करो, मेरा भाई मुझसे और मेरे साथियों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। जब से हमने डोपर एलएसडी का धंधा शुरू किया है वो हमसे अलग है। पिछले 3 सालों में उसने कसम को खबर नहीं दी और आज वो हमसे दुश्मनी करेगा। आदमी को बदलते देर नहीं लगती। मेरा भाई कलजुग का लक्ष्मण है, वो जान दे देगा लेकिन मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। अगर हमारे खिलाफ चला गया तो मैं उसका खून अपने इन हाथों से कर दूंगा। हमारे सिंडिकेट में रिश्ता या खून नहीं, वसूल सबसे बढ़कर है। वेरी गुड अमर सिंह, मुझे जहां भी हो उसे फौरन लेकर आओ। जीते रहो विजय। जगन तुम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि तुमने मुखबरी करके नंबर 4 गोडाउन का माल पकड़वाया है। ये झूठ है ना? मैं जानता हूं तुम ऐसा काम नहीं कर सकते। कह दो अपनी जुबान से। तुम चुप क्यों विजय? विजय ऐसा खबर देने वाला मैं ही हूं। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा काम नहीं कर सकते। अजय तुम्हारा भाई अपना गुनाह कबूल कर चुका है। हमारे उसूलों के मुताबिक एक गद्दार की सजा मौत होती है। तुम अपने हाथों से धरती का बोझ हल्का करोगे या ये शुभ काम मैं करूं? मौत की सजा पाने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। क्या वो हक मुझे नहीं मिलेगा? जिंदगी की भीख मांग रहे हो जगन। जिंदगी अगर इतनी प्यारी होती तो मैं खुद चल के यहां ना आता। तुम जहां भी होते खत्म कर दिए जाते। मरने से पहले तुम्हारे इन 2-4 पालतू कुत्तों को मार के मरता जगन। लेकिन अब मुझे जिंदगी से कोई प्यार नहीं। मेरी वजह से मेरे देश को बहुत नुकसान पहुंचा है। शायद मेरी मौत मेरे पापों का प्रायश्चित बन जाए। वार वतन के सपूत, बोलो क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? मैं अपने भाई के हाथों मरना चाहता हूं। भाई साहब जिंदगी में बहुत कुछ किया है आपने मेरे लिए, मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दीजिए। फिर कभी तकलीफ नहीं दूंगा आपको। भाई की ख्वाहिश पूरी करो। इस पिस्तौल में सिर्फ एक गोली है, शरीफ आदमी मर जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि अगर 5 मिनट के अंदर तुमने इसे खत्म ना किया तो हम सब मिलकर तुम दोनों को खत्म कर देंगे। ले जाओ इसे अंदर। जो तुमने क्या किया? कस्टम्स को खबर देने के बाद तू यहाँ क्यों आया? जानबूझकर मौत की आग में क्यों कूद पड़ा? भाई साहब मैंने जो कुछ किया सोच समझ के किया है। औलाद से बढ़कर हमारी कोई कीमत नहीं है। औलाद? हाँ भाई साहब, भाई की औलाद भी अपनी ही औलाद होती है। यह खबर पुलिस को सुरेश ने दी थी। सुरेश ने? हाँ, आपकी वजह से वो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। बदले की भावना ने उसे पागल बना दिया और उसने कानून का सहारा लिया। और जब ये बात उसने मुझे बताई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और उसकी जगह मरने के लिए मैं चला आया। भाई साहब रजनी सुरेश और भाभी न रहेंगे तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे? मुझे मारकर उन मासूम को बचा लीजिए भाई साहब। उन्हें मुझसे कमीने की जरूरत नहीं है, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लेना। भाई साहब अगर आपको कुछ हो गया तो वो कमीने मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे गोली मार दीजिए। तुझे गोली मार दूं जिसे मैंने अपनी गोद में खिलाया है? तुझे जिसे मैंने अपने सीने से लगाकर अपनी मरती माँ के सामने कसम खाई थी कि इसे अपना
भाई नहीं, अपना बच्चा अपना बेटा समझकर पालूंगा। भाई साहब, तुझे बिगाड़ना तभी तो मैं ही था ना। तू नहीं मैं मरूंगा। भाई साहब, क्या कर दिया मुझे, क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया। वाह अजय वाह, भाई तो ऐसा क्या इंसाफ किया। अरे हम सबको तुम पर लाज है अमर सिंह, लाज छुटकाने लगा दो। सुरेश, रजनी, हीरा, सोने चांदी से तबीयत भर गई क्या, जो हम लोगों की याद आने लगी। ताने मत दो, बता सुरेश कहाँ है। जाकर अपने अड्डों पर देखो, जहाँ जहर पिला पिला कर तुम माओं की गोद सुनी करते हो। जो तुमने दूसरों के लिए किया है उसकी कीमत तुम्हारा बेटा चुका रहा है। जब से मेरा सीना पटा जा रहा है मेरा, जिसको भगवान सजा दे चुका हो उसको तो बहुत ना सता हो। क्षमा कीजिए, क्या बात है, जिंदगी में पहली मरतबा आपकी आंखों में आंसू देख रही हूँ। विजय अब इस दुनिया में नहीं रहा मीरा। नहीं, नहीं, ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, कुछ तो बोलो भगवान के लिए बोलो, कैसे हुआ। इसने सुरेश और हम सबको बचाने के लिए अपनी आहुति दे दी। नहीं, सुरेश ने कसम वालों को खबर कर दी थी सिंडिकेट के सामने, उसने सुरेश का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। तेवर जी की लाश कहाँ है। मेरा भाई बिना चिता बिना कफन के इस दुनिया से चला गया। इससे पहले कि सुरेश कोई दूसरी भूल करे मैं उससे मिलना चाहता हूँ। रजनी कहाँ, शायद उसे उसकी खबर हो। रजनी कहाँ है, सुरेश कहाँ रहता है मुझे कुछ मालूम नहीं। उसे तुमसे तुम्हारी हर चीज से नफरत हो गई है। ये शायद हमारे कर्म हमारे सामने आ रहे हैं। न रो, हर अड्डे पे जाके सुरेश की तलाश करो। यस सर। Thank you.
कौन हो तुम? इस भोली भाली लड़की टीना को फंसाकर तुम ऐश करना चाहते हो? इसका भाई? शक्ल सूरत से तो नहीं लगते। नहीं, मेरा मतलब आपको अपने आप पे यकीन है कि आप एक ही माँ बाप के दोनों बच्चे हैं? बकवास बंद करो और ये देखो अपनी फोटो। ब्यूटीफुल, आई मीन फोटो आप बहुत अच्छी खींचते हैं। कस्टमर सर किशनचंद जी, अगर ये रोमांटिक फोटो अखबार में छप जाए तो तुम्हारी खिंचाई हो जाएगी। यानी ब्लैकमेल। अच्छा साले साहब, अगर ये फोटो अखबार में ना छपे तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कुछ नहीं, हमारे स्मगलिंग के कारोबार को तुम और तुम्हारे आदमी नहीं रोकेंगे। फिर हमारे गोदाम पर कस्टम वाले छापा नहीं मारेंगे। बहुत बड़ा कारोबार है। अभी तो नहीं, लेकिन तुम्हारी मदद से करोड़ों के वारे न्यारे हो जाएंगे। और सुनो, प्रॉफिट में से तुम्हें हिस्सा भी मिलेगा। ब्यूटीफुल, यानी ऐश विद कैश। यस, डन डन। आइए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बहन की इज्जत से खेल रहा था, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। एक मिनट। ये आदमी कह रहा है कि दोनों भाई बहन है, आपको यकीन है? नहीं है ना? क्वालिटी और रूप में कितना फर्क है। और अगर नहीं है तो हॉस्पिटल में जरूर बच्चा बदल गया होगा। अब मेरे होने वाले साले साहब, तू क्या समझ रहा था? एक लड़की के चक्कर में मुझे फंसा कर ब्लैकमेल करेगा? टीना की अदाओं से तो मैं पहले ही समझ गया था कि जरूर कोई गड़बड़ है, इसलिए मैं तुम दोनों को यहां तक ले आया। इंस्पेक्टर साहब, इसमें इसकी आवाज टेप की हुई है। थैंक यू। इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। चलो चलिए मैम साहब, कैश बॉक्स के साथ चलिए। ये सर, उस लड़की के जरिए कई लोगों को पकड़ा है और सारी बातें इंस्पेक्टर को बता दी है। ये सर, ये सर। मेरे कृष्ण के कन्हैया, कब तक दूर रहोगे मुझसे? इंस्पेक्टर दरवाजा बंद करना भूल गया था सर। केस बहुत गंभीर है, बाद में बताऊंगा। हाउ आर यू? नॉट फाइन। मेरे मुरली मनोहर, मेरे घनश्याम, तुम्हारी गोपी कब से सजी बैठी है और तुम इन गोपियों में फंसे हो। मैं इन सबसे ज्यादा तजुर्बेकार हूँ। लेकिन गुलाबी जी, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। बेकार को काम में लाना मुझे आता है। तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें स्वर्ग में पहुँचा दूंगी। मुझे स्वर्ग में जाना नहीं है, मुझे इस दुनिया में बहुत काम करना है। ये तो मैं कह रही हूँ कि मुझे भी तो कुछ करने दो, मान जाओ। सर दर्द तो ले जाओ, मैं भी मालिश कर देती हूँ। डॉक्टर ने मना किया है कि मालिश नहीं करो ना। तो एस्प्रो, 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 मैं अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ। एस्प्रो, अरे मेरी माँ। खालो एस्प्रो, खालो एस्प्रो। खोलो खोलो मेरे कन्हैया, आज तुम्हें मेरे हृदय की आवाज सुननी पड़ेगी। हाँ खोलो। क्या खुलवा रही हो? ओ यहाँ तो हर चीज खुली हुई है। बेबी जी, गुलाबी जी, ताला नहीं खुल रहा है। अरे तो फिर ये कर्मठ अलीगढ़ी ईटीओ किस दिन काम आएगा? ईटीओ? ईटीओ का मतलब एक्सपर्ट ताला ओपनर। बेबी जी, गुलाबी जी, जरा अपना ये पिन दीजिए, मैं जिनकी तरह अभी खटाखट इस ताले को खोले देता हूँ। ये ताला इस पिन से नहीं खुलेगा, इसको खोलने के लिए तो स्क्रू ड्राइवर चाहिए। बेबी जी, गुलाबी जी, आप इस किशन के लिए अपनी भरपूर जवानी क्यों बर्बाद कर रही हैं? किसी कदरदान को ढूंढिए ना। कहाँ मिलेगा कदरदान? अरे आपके सामने खड़ा हुआ पूरा पानदान चबा जाइए। क्या कहा? पानदान का बच्चा जानता नहीं मेरा खानदान। अबे क्या इरादा है? अबे ये क्या कर रही है तू? ये तो हमारे अंदाता है। अजय बाबू, आप यहाँ कैसे? यहाँ कोई सुरेश नाम का लड़का है, साहब अंदर पड़ा है। आई मैं वो रहा। ओह माय गॉड, सुरेश बेटा, सुरेश, सुरेश। क्या हो गया? दौलत ले, दौलत।
चल चल तुझे घर ले चलता हूँ। इसकी ऐसी हालत कब से है? कई घंटों से। तो डॉक्टर क्यों नहीं बुलाया? पुलिस के डर से। मुझे क्या मालूम कि आपका बेटा है? अजी समझने की कोशिश करो, तुम्हारे डैडी हैं। हमें शादी के लिए उनकी इजाजत लेनी ही चाहिए। नहीं, मैं उस नाक में कदम भी नहीं रखूंगी। तुम मेरे डैडी को नहीं जानते हो मधु, उन्हें औलाद से नहीं दौलत से प्यार है। और दौलत भी कैसी, हराम की कमाई। मैं खुद अपनी नजर में गिर गई हूँ मधु। अगर तुम मुझे प्यार और साहस न देते तो मैं कब की आत्महत्या कर चुके होते। पापा बोल रहे हैं रजनी, लेकिन मम्मी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मम्मी के बारे में मैंने कभी कुछ कहा है? बस तो ठीक है, मम्मी के पास चलकर आशीर्वाद लेते हैं और शादी कर लेते हैं। ठीक है चलो। ऐसे नहीं फिर मुस्कुरा कर कहो। सुरेश बेटा। डॉक्टर मेरा बेटा अच्छा हो जाएगा ना? मिस्टर अजय, कोशिश करना हमारा फर्ज, बाकी सब ऊपर भगवान के हाथ में। वैसे इसकी हालत बहुत खराब है, नर्व सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका है। सुरेश बेटा आंखें खोलो बेटा, मेरी तरफ देखो, मैं देखो, बोलो बोलो ना बेटा। सुरेश बेटा कैसी तबीयत है? रजनी बहन माँ। अभी आती है, रजनी को बुलाओ। अभी आती है बेटा, जाइए जाइए, कहीं से भी रजनी को ले आइए। मैं रजनी को कहां से ढूंढ कर लाऊं? मैं उसकी हर सहेली के घर गया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अब कैसी तबीयत है बेटे? माँ रजनी नहीं आई माँ, क्या मैं उसको इस जन्म में नहीं दे पाऊंगा माँ? नहीं, ऐसा क्यों कहता है पगले, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तू अपनी लाडली बहन को ट्रॉली में बिठा कर विदा करेगा बेटा। रज्जू क्या हुआ तुम्हें भैया, क्या हुआ? रज्जू तू आ गई। लेकिन लेकिन ये सब क्या हो गया भैया? रो मत रज्जू, रो मत, वही हुआ जो मैं चाहता था। मुझे मरने का कोई गम नहीं। नहीं भैया। खुशी है। नहीं भैया। आके जब मैं मर जाऊं पहले जिंदगी भर तड़प रहे और इन्हें मर कर चैन नहीं मिला। मेरे भैया मरेंगे, इन्हें मारा गया है और इन्हें मारने वाले तुम हो। इस घर में मेरे भाई का कत्ल मौजूद हो, ऐसे घर में कदम रखना भी मेरे लिए मुनासिब नहीं है। मैं सचमुच तेरा कातिल हूँ, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा बेटा। तेरी चिता की सौगंध है, अब तेरा यह खूनी बाप किसी और का खून नहीं करेगा। आज से जहरीली गोलियों की स्मगलिंग न मैं करूंगा और न किसी और को करने दूंगा। आज 3 दिन हो गए, ना आपने कुछ खाया है ना पिया है। किस्मत में जो लिखा था वो हो गया। चलिए कुछ खा लीजिए। नहीं मीरा, भूख नहीं है। जब तक मैं अपने पापों का प्रायश्चित न कर लूं, खाना पीना सब मेरे लिए हराम है। अपने किए पर आप शर्मिंदा हैं, इसे पढ़कर और प्रायश्चित क्या होगा? सब कुछ भूलकर आप एक नई जिंदगी शुरू कीजिए। सिंडिकेट वाले मुझे कुछ और नहीं करने देंगे मीरा। पहले उन सबको मुझे अपने रास्ते से हटाना होगा। नहीं, कहीं विजय भैया की तरह उन लोग आपके जान के भी दुश्मन न बन जाए। सच्चाई के लिए अब जान भी देनी पड़ी तो परवाह नहीं, सारे सिंडिकेट को बर्बाद करके रहूंगा। लेकिन अकेले अकेले आप उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अकेले नहीं मेरा, कानून मेरे साथ है। जिस जहर की गोली खाकर मेरा बेटा मरा है, उस जहर से अब इस देश में कोई नहीं मरेगा। किसी माँ की गोद अब सुनी नहीं होगी।
भगवान आपको कामयाब करे। मुलजिमों से कुछ पता चला? वो खुलवाने के लिए मेरे पास 1000 तरकीबें हैं। कब तक छुपेगा? आखिरकार उगलना ही पड़ा। सर, हमारे आदमियों ने 2 गोडाउन में छापा मारकर 15 लाख रुपए के एलएसडी डोप और दूसरी नशे वाली गोलियां पकड़ी हैं। फिर नशे की गोलियां? ये कमबख्त स्मगलर चांदी और हीरों की स्मगलिंग छोड़कर मौत के सौदागर क्यों बने हुए हैं? किशन, इन मुलजिमों के खिलाफ ऐसा केस तैयार करो कि अदालत इन्हें सख्त से सख्त सजा दे। सर, मैं चाहता हूँ इन सबको छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए? जी हाँ सर, अगर वो जेल की 4 दीवारी में बंद कर दिए गए तो हम उनके लीडरों तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि ये सब छोटे मोटे स्मगलर्स हैं, जहां से उन्हें और मुल्क के दूसरे स्मगलरों को माल सप्लाई किया जाता है। मैं सिंडिकेट को तबाह करके देश को सलाना से छुटकारा दिलाना चाहता हूं। यस, यू आर राइट। कस्टम ऑफिस? यस, कस्टम इंटेलिजेंस। मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। कौन है आप? आपके लिए ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसे जरा गौर से सुन लीजिए। कहिए, आप कौन सी खबर देना चाहते हैं? आज रात को 11 बजे मारवी बीच पे कुछ फिशिंग बोट्स में काफी रुपयों का एलएसडी और डोप आने वाला है। ठीक है। हेलो, हेलो, लाइन कर दी। लगता है किसी ने हमें परेशान करने के लिए शरारत की है। हो सकता है इसकी खबर में सच्चाई हो। खबर में सच्चाई होती तो वो सामने आता, लाखों रुपए के नाम कौन छोड़ेगा? आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन इस खबर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरी तरफ से तुम्हें फुल अथॉरिटी है, जो ठीक समझो करो। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग सर। जाने वाले पलक कर तो देखो, हम भी तो खड़े हैं राहों में। ऐसे अनमोल हीरे रास्ते में नहीं पड़े रहते, दिल की तिजोरी में रखे जाते हैं। वाह 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 वाह, दिल की तिजोरी में तो हम रहते हैं, मगर बेडरूम और पार्क में फोटो खिंचाई जाती है किसी और के साथ। अरे, फोटो तो तुम्हारे साथ भी खिंचवा सकता हूँ, लेकिन सोच लो वो लड़की गिरफ्तार हो चुकी है। तुम्हारे लिए तो मैं गिरफ्तार भी हो सकती हूँ, एक मौका तो दो। अरे जब बोलो। आज रात को आ जाओ। देखो, रात को मैं सरकारी काम से बाहर जा रहा हूँ। कल आ जाओ। कल ऑफिस नहीं जाओगी? अरे तुम्हारे लिए तो छुट्टी भी ले लेंगे। तो परसों मिलेंगे। क्यों, कल किसी और को बुलाया है? अरे भाई, खाम खाम बदनाम कर रही हो, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। हाय डॉली। टीना। टीना नहीं, रीना, पक्के हर जाई हो, नाम भी याद नहीं रखते। अरे नाम से क्या काम, दिल में जगह होनी चाहिए, इसीलिए तो मिलते नहीं हो। देखो आज काम है, कल मिल लूंगा। कल घर पे? हाँ हाँ, जाओ जाओ। अरे घर पे किसको बुलाया, कब बुलाया, कितनों को बुलाया बेटे, आज तो बच ले। गुड मॉर्निंग पापा। राधा बेटी, राधा बेटी रुको, राधा बेटी रुक के मेरी बात तो सुनो। नहीं पापा, अभी मेरी मॉर्निंग एक्सप्रेस बाकी है, आप मुझे डिस्टर्ब क्यों करते हैं? राधा मैं कहता हूँ रुक जाओ। आई सेड हॉल्ट। तुम यहाँ भाग रही हो और वहाँ वो इडियट तुम्हारे भाग फोड़ रहा है। कौन इडियट? तुम्हारा मंगेतर इडियट और कौन? किसी ने क्या किया है? डिटेक्टिव हनुमान प्रसाद झुंझुनवाला, अपनी रिपोर्ट सुनाओ। दिवस में 30 कन्याओं से उन्होंने भेंट की, 10 गोरी 20 काली थी, पर सब पर भरपूर लदी जवानी थी, 10 को लिपटाया, 15 का चुम्बन लिया और 5 को अपने भुजाओं पर उठाकर घर के अंदर। चुप यू बंदर, झूठा कहीं का, करे कोई भरे कोई। तुमने हमारे जासूस को थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि अपनी किस्मत को ठोकर मारी है। उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है, तुम्हारा किशन बच्चलन है, आवारा है, वो कुत्ते की दुम है, कुत्ते की दुम, कभी सीधा नहीं हो सकता। नहीं पापा, मैं जनरल रणवीर सिंह की बेटी हूँ और जब तक मैं उसे कुतुब मीनार की तरह सीधा नहीं करूंगी, मैं इस फार्म में कदम नहीं रखूंगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू पापा। लाइट्स। कोई मिलने की कोशिश नहीं करना, वरना भूल के रख दूंगा। चलो थोड़ा सिरो। साहब साहब, हम मच्छी रहे हैं, मच्छी पकड़ के लेके आ रहे साहब। अभी पता चल जाएगा। साहब कुछ नहीं मिला। साहब मैं जाऊं? भागे ना भाई, रुक जाओ। दादा ने मखबूरी करके हमारा 1 करोड़ का माल पकड़वाया है, उसे पता लगाओ।
मैं उसको उसके सारे खानदान को तबाह कर दूंगा। हेलो, कौन? अजय। अजय, तुम्हारे बेटे की मौत की खबर सुनकर बड़ा दुख हुआ। दुख हुआ है जगन, तो उस जहर का व्यापार बंद कर दो जिसने उसकी जान ली है। अरे व्यापार बंद करने से क्या तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा? जो मुझ पर बीती है वो दूसरों पर नहीं बीतेगी जगन। दूसरे के जहन्नुम में? उसके पहले तुम चले जाओगे। जो कहता हूँ करो, नहीं तो तुम सबको तबाह बर्बाद कर दूंगा। अभी तुम्हारी सिर्फ एक बोट पकड़ी गई है, कल सरकार का तुम्हारी हर चीज पर कब्जा होगा। तो बोट की खबर कस्टम वालों को तुमने दी? हाँ, अब मेरे जीते जी मुल्क में जहरीली गोलियों का कारोबार नहीं होगा। याद रखो अजय, हमारे साथ तुम भी बर्बाद हो जाओगे। हराम की कमाई हुई हर चीज में सरकार के हवाले कर रहा हूँ। तुम लोगों को जो झक मरानी हो मराओ, लेकिन एलएसडी और डोप का व्यापार तुम लोगों को बंद करना पड़ेगा। ठीक है ना यार, जैसा तुम कहोगे वैसा कर लेंगे। हमारे पास चले आओ, बातचीत कर लेते हैं। मुझसे लोमड़ी की चाल चलने की जरूरत नहीं है जगन। मैं अब तुम लोगों की मनहूस सूरत भी नहीं देखना चाहता, समझे? उल्लू का पट्टा, इससे पहले कि आ जाए कस्टम वालों को हमारे बारे में और खबर दे, मौका मिलते से फौरन खत्म कर डालो। यस बॉस। गंगू, रजनी का कुछ पता चला? नहीं साहब, बहुत तलाश किया। आप चिंता क्यों करते हैं, भगवान सब ठीक करेगा। नहीं मीरा, तुम इन शैतानों को नहीं जानती, कहीं ये मेरा बदला मेरी बेटी से न ले। लगता है जगन के कुत्तों ने घर को घेर लिया है। सरकार, आप मालकिन को यहां से लेकर जल्दी चले जाइए। मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। आप पर जी बेटी के साथ जल्दी जाइए। चलो हम पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। तुम सब गधे हो, उल्लू के पट्टे हो। 20 आदमी मिलकर एक गद्दार को खत्म नहीं कर सके, अब मुंह लटकाएगा खड़े हो? जाओ चाय का कोना कोना छान मारो, इससे पहले जो गद्दार पुलिस को खबर दे उसे खत्म कर डालो। गो यू बास्टर्ड्स। धर्मवीर, तुम अजय की लड़की रजनी का पता लगाओ, वो उससे अलग रहती है। अगर वो हमारे हाथ लग गई तो अजय नाक रगड़ता हुआ हमारे कदमों में आकर गिरेगा। ओके सर। रजनी, रजनी क्या है? आज का पेपर देखा तुमने? कोई नई पिक्चर रिलीज हुई है क्या? फिल्मों के सिवा और भी खबरें होती हैं। हाँ, होती है। इस मुल्क ने उस मुल्क पर हमला कर दिया, एक ने दूसरे का तख्ता उड़ा दिया। ऐसी खबरें सुनाने नहीं आया हूँ। तो तुम्हारे घर पर बदमाशों ने हमला कर दिया? मेरा कोई घर नहीं मधु, मेरा जो भी है यही है। मधु, मैं सबके लिए मर चुकी हूँ। जिस बात को मैं भूलना चाहती हूँ उस बात को तुम मुझे क्यों याद दिलाते हो? I'm very sorry. मधु, मैं बात बात में बिगड़ती हूँ, तुम बुरा तो नहीं मानते हो ना? जब तुम बिगड़ती हो ना, और भी सुंदर लगती है। कॉलेज का वक्त हो गया, शाम को जल्दी आना, पिक्चर जाना है। तो मैं चलूं? जा रहे हो? दूध वाला। अभी आते हैं पैसा लेके। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। समझ में नहीं आता कि तुम कस्टम ऑफिसर हो या ब्यूटी ऑफिसर। तुम्हारे सर से मजनू का भूत नहीं उतारा तो राधा नाम नहीं मेरा। बैठो। से मैं तुम्हारे साथ साये की तरह रहूंगी, और देखो घर चल के सरकारी काम से छुट्टी मांग लेना। ओके? हाँ किशन, शाम को मेरी सहेलियां क्लब में मिलेंगी, उनसे कह देना कि तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे हो और मेरे हो, समझे? नमस्कार। एक ऊपर है, उसी बगल में। क्या बात है? करवट वो आ गए? तो आ तो गए, लेकिन लेडी कर्नल भी साथ में है। मैं आपके बुरे दिन अपनी आंखों से देख नहीं सकता, आप नहीं छुप जाइए।
मैं उससे नहीं डरती। सोच लीजिए, भारी हाथ है, एक महीने की बात है, उल्टे हाथ का झापड़ दिया था तो मिसली ली, खून थूकती गई थी, थुका थुका थुका। अब मैं क्या करूं? बाथरूम 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 में छुप जाइए, बटवा 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 बाथरूम बाथरूम बटवा बटवा बाथरूम बाथरूम बटवा। करवा कौन लड़की आई थी? लड़की आपके सिवा यहाँ कौन लड़की है? मैं टोपाज नहीं लगाती, बोल कौन है? ये टोपाज कौन है? अरे टोपाज जो सुन मैंने तुझे दिया था इधर, इधर की शीशी शायद बाथरूम में खुली रह गई। बाथरूम में तो घंटी बज गई, मेरे लिए पानी ला। लिली नहीं, लगता है तू फिर से गाल नीला करवाना चाहती है। मैं क्या? अच्छा, तो इसलिए घर अकेले आना चाहते थे? तुम्हारी कसम खाता हूँ डार्लिंग, मैंने सबसे कह दिया कि भाई तुम लोगों से मेरा कोई मतलब नहीं है, तुम करवट से पूछ लो। करवट? अरे करवट सच बोल, नहीं तो मैं तुझे एक झापड़ दूंगी। राधा जी, कृष्ण जी तो साक्षात कृष्ण भगवान का रूप है, इसलिए रासलीला रचाते हैं। हाँ, नहीं नहीं, दिन रात आप ही के गुण गाते, आप ही के नाम की बंसरी बजाते, आप गुस्सा क्यों करती है? पानी पीजिए ना। थैंक यू। कपड़े खराब कर दिए। नहीं नहीं, इसने तेरे बाप ने किया है बदतमीज। सजी जी, कपड़े खराब कर दिए, प्रोग्राम का सत्यानाश कर दिया। जाओ डाली, जाओ तुम कपड़े बदलो। जाओ, ठीक है मैं जा रही हूँ। जी 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 जी, मैं वही पहुँच जाऊँगा। जाओ। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू, थैंक यू। 250 रुपए में 250 झापड़ नहीं खाऊंगा, तुम हमारा तबादला यहाँ से 250 मील दूर करवा दो। अरे तू नाराज क्यों होता बेटे? कौन है? मेरी गर्दन सीधी कर। आई मीना आई है, पिटपिटी मीना आई है, आई मीना बाहर आ जाओ, क्या तू बाहर जा? आई वो औरत है या चुड़ैल? आखिर तुम उससे इतना डरते क्यों हो? वो मेरी होने वाली बीवी है। होने वाली ना, हुई तो नहीं। फिर बाथरूम ले जा, ले जा, ले जा। हाय डाली। मीना क्या है कि वो पहली लड़की पलटी नहीं, दूसरी पलट गई, तीसरी अभी भी अंदर गई, क्या बात है? ये क्या बकबक कर रही हो? तुम इससे बात करो, मैं सरकारी आदमी हूँ वरना अंदर कर दूंगा। हाँ, ये सब क्या चक्कर है? कैसा चक्कर? यही कि लड़कियाँ क्यों रोज रोज बाहर से अंदर और अंदर से बाहर होती है। कौन लड़कियाँ? हाँ, दो ऊपर है और एक मेरे सामने खड़ी हुई है। अच्छा, तो ये बात है? कौन सी बात है? थैंक यू। नो डार्लिंग। हेलो, अबे कौन? राधा। अरे बाप रे, करवा बाथरूम बाथरूम बोले। अलमारी 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 में अलमारी में आ जा, अलमारी में आ जा, चल घुस 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 घुस। अरे तुम अभी तक कपड़े बदलने नहीं गई? इंटीमेट कहाँ छुपा? इंटीमेट मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे बाप रे, मर गया आज, मर गई। अरे बाप रे, मैं अकेले नहीं हूँ, एक और है अलमारी में। क्या अलमारी में? जा निकल, कल वही मेरे मुंडू बनो। मुझे छोड़ दे, निकल निकल यहाँ से, छोड़ दे, 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 छोड़। तुम्हारी कसम, मैंने नहीं बुलाया था, करवट ने बुलाया था। करवट, तूने नहीं बुलाया था? आपके धौस में नहीं आऊंगा, ना तुमने बुलाया था ना मैंने बुलाया था। पुरानी थी, अपने टाइम टेबल के हिसाब से आ गई, उन्हें क्या मालूम था कि तुम आने वाली हो। मैं बताऊंगा, बचेगा तो बताएगा ना। अरे राधा, हाय, कितनी देर कर दी? तेरा पार्टनर कहाँ है? किशन, तेरे लिए कॉम्पिटिशन रुक गई है। ये डांस करेगा? ये तो किसी स्पेसशिप का पायलट लगता है। दीपक 4 साल से डिस्को किंग है। 4 साल से? आई एम बॉर्न एज डिस्को किंग। इस साल तुम कोशिश करके देखो बादशाह, अगर हाफ पैर तोड़ने का इरादा है तो फिर मैं चलता हूँ। अरे कहाँ? तो फिर किसी डॉक्टर को बुलाओ ना, अगर किसी का हाथ पैर टूट जाए तो। शट अप, चलो। अरे बाप रे। La 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 la.
गाए
सर, ये खबर पड़ी है सर। नोन पीपल अटैक अजेज हाउस एट 18 साउथ एवेन्यू रोड। ऐसे दंगे फसाद तो रोज होते रहते हैं, इसमें क्या खास बात? खास बात है सर, 7 दिन पहले अजय कुमार का लड़का नशे की गोलियां खाकर खत्म हो गया। छोटा भाई लापता है, पता नहीं जिंदा है या मर गया। और फिर उसी मकान पर अचानक गुंडों का हमला। सर मुझे तो लगता है ये गुंडे स्मगलरों के आदमी हैं, और हमें इंफॉर्मेशन देने वाला अजय है। बहुत दूर की कौड़ी लाए हो। अगर तुम्हारा ख्याल सही है तो हम अजय से दूसरे स्मगलरों का पता लगाकर उनका सफाया कर सकते हैं। सर मैंने भी यही सोचा है। तो जो सोचा है वही करो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। गो अहेड। हेलो, डॉक्टर वर्मा स्पीकिंग। डॉक्टर साहब चलिए आइए, अजय बाबू जख्मी हो गए। कौन बोल रहा है? आप मुझे नहीं पहचानते? गंगू जी। हाँ मैं गंगू। क्या हुआ? किसी ने चलती गाड़ी पर गोली चला दी। जल्दी आइए आप। मैं अभी आ रहा हूँ। इसमें कोई खतरा है? सब होशियार हो जाओ। आई एम सो सॉरी मिस्टर अजय, जख्मी होने की खबर सुनकर मैं परेशान सा हो गया और उसके झांसे में आ गया। डोंट फील बैड डॉक्टर, अब आगे देखना है क्या होता है। जैसा तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, तुम्हारी बेटी रजनी हमारे कब्जे में है। हे भगवान, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारी बेटी खत्म कर दी जाएगी। गगन साहब ने वादा किया है वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप अपने आप को उन लोगों के हवाले क्यों नहीं कर देते? नहीं मीरा नहीं, तुम उन लोगों को नहीं जानती, ये जगन की साजिश है। रजनी हमारी बेटी उस वक्त तक जिंदा रहेगी जब तक मैं इनके हाथ नहीं लगता। नहीं नहीं मीरा, अगर मैं उनके सामने गया तो मैं तुम रजनी हम सब मारे जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, घबराओ मत, मैं देखता हूं क्या होता है। वीर सिंह, जगन से जाकर कह दो अगर रजनी पर आज आई तो मैं सारे सिंडिकेट वालों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। सारे सब के सब कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। ये सब करने के लिए तुम जिंदा नहीं हो। मेरे होते हुए जगन के कुत्ते आपका कुछ नहीं बना सकते। आपका दोस्त और उनका दुश्मन कसम से जिससे आपने बात की थी। मैंने किसी से कोई बात नहीं करी। ये बात बाद में करेंगे, पहले यहां से बचने की सोचिए। नहीं सब ये जो कहते हैं वही करो। बिल्कुल नहीं, मैं आपको कुछ कहने पर मजबूर नहीं करूंगा। कम ऑन कम ऑन मूव। आखिरी फैसला है कि तुम सिंडिकेट के बारे में कुछ नहीं बताओगे? नहीं। और जगन के बारे में भी? बिल्कुल नहीं। किशन मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं कि जैसे भी हो इसे बोलने पर मजबूर करो। क्या करोगे? टॉर्चर करोगे? मेरे हाथ पर तोड़ दोगे? अरे ऐसे उतार चढ़ाव मैंने अपनी जिंदगी में बहुत देखे हैं। कानून के डर से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज सुनकर मैंने तुम लोगों को कश्तियों की खबर दी थी। मेरी आंखों के सामने मेरा भाई मर गया, अपने इन हाथों से मैंने अपने जवान बेटे की चिता में आग लगाई। अब मेरी जिंदगी में मेरी बेटी के अलावा कोई है नहीं।
जब तक सही सलामत हूँ मेरे पास वापस नहीं आती, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बता सकता। तुम लोग इस बात को समझते क्यों नहीं हो? अजय बाबू, मैं वादा करता हूँ, मैं रजनी को वापस लाऊंगा। सर, जब तक रजनी नहीं मिलेगी ये अपनी जबान नहीं खोलेगा। मैं तलाश करूंगा और बहुत जल्द उन तक पहुंच जाऊंगा। तब तक इन दोनों को ऐसी जगह रखता हूं चैन की हिफाजत हो सके। ओके। न्यू डील की खुशी में एक और जाम। शरीफ आदमियों का रास्ता रोकना बुरी बात है। वेलकम मिस्टर किशन, वेलकम। तुम यहाँ पधारे बड़े भाग हमारे। अरे कमबख्तो, अगर तुम इन्हें नहीं पहचानोगे तो दुनिया तुम्हें नहीं पहचानेगी। शुक्र है जगन साहब, अब तो हमें पहचानते हैं। अरे हुजूर, हम तो आपके गुलाम हैं, फैन है आपके। आपके कारनामे अखबारों में पढ़ते हैं ना तो दिल बाग बाग हो जाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो कुछ हम आपके बारे में पढ़ते हैं उसकी एक झलक हम और हमारे मेहमान देख सकें? तो आइए दिखा दें। नहीं, 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 अगर हमसे शुरू हुए तो सिर्फ हमारे मेहमान ही देखेंगे, हम देखने काबिल नहीं रहेंगे। तो फिर कुर्बानी का बकरा कौन बनेगा? वो देखिए, साला बड़ी डींगे मारता है, अपने आप को कराटे और जूडो के चैंपियन कहता है। ये गेंडा क्या शेर का मुकाबला करेगा? ए स्प्रिंग बोर्ड, किशन साहब का मुकाबला करेगा? करेगा। तो फिर मैं जाऊं? गुड लक। कम लवली, लेट जॉइन द गेम। कम कम कम। क्यों, कुछ है ना? बात है। हाँ हाँ, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। बका बका बका। तू स्प्रिंग बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड? चल खत्म करते आराम जाले को। मरते देखकर तुम्हें तकलीफ हो रही है? वैसे तो मुझे मरने का प्रोग्राम बनाया था जगन, मैं तुम जैसे बदमाशों की मौत हूं। तुम एक शरीफ आदमी पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम शरीफ नहीं, जाते शरीफ हो। अजय की जान लेने की तुमने कोशिश की, अजय की बेटी रजनी को अगवा करके तुम लाए हो। कहां है वो? ये सरासर झूठ है। मैंने कोई ऐसा दलील और गंदा काम नहीं किया। तुम चाहो तो मेरे घर ऑफिस की तलाशी ले सकते हो, अगर कोई सबूत मिले तो मुझे गिरफ्तार कर सकते हो। नहीं, पहले मैं मुजरिमों का सुरमा बनाता हूँ, फिर सबूत ढूंढता हूँ, और सबूत मुझे आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। उस दिन तुम बच नहीं सकते। मुझे किशन कहते हैं। नमस्ते जी। आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आइए बैठिए। रजनी को कुछ पता चला? उसी सिलसिले में मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं। पूछिए ऑफिसर।
ऑफिसर नहीं, किशन। किशन भैया ये चलेगा। अब ये बताओ रजनी गायब कैसे हुई? मैं रजनी को यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक छोड़ के गया था। आने पर पड़ोसी ने बताया कि वो बेहोश हो गई थी और कुछ डॉक्टर लोग उसे साथ लेकर चले गए। रजनी की कोई तस्वीर तो तुम्हारे पास होगी? जी नहीं। अजय साहब का मकान भी तबाह हो गया है, वहां भी कोई तस्वीर नहीं मिली। खैर रजनी तो मिली जाएगी और उसके मिलते ही मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। अजय कानून का सहारा ले चुका है, उसके सामने खुलकर जाने में खतरा है। तुम लोग थोड़े दिन के लिए अपना अपना काम रोक दो। अरे भाई व्हाट डू यू मीन? अरे काम रोकेगा तो इसमें बहुत घाटा होएगा। जेल में चक्की पीसने से घाटा बेहतर है। अगर उस कमबख्त ने मरने वालों की लिस्ट गिनवा दी तो सबके गले में फांसी का फंदा होगा। फांसी नहीं नहीं, आप कुछ भी करो हम लोगों को अजय से छुटकारा दिलवा दो। हम या हमारे आदमी नहीं जा सकते, अजय सबको पहचानता है। इस तरह हम कानून की नजरों में आ जाएंगे। हमें किराए का कातिल मंगवाना होगा, उससे अजय भी खत्म हो जाएगा और हमारे सिर इल्जाम भी नहीं आएगा। पर जगन साहब किराए का कातिल मिलेगा किधर से? मिल सकता है। कौन? बिल्ला। बिल्ला? हाँ बिल्ला। मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? किशोरी लाल, अरे इसको मैंने मना किया बिल्ला को धोखा ना देना, पुलिस में खबर मत देना, लेकिन वह नहीं माना। जानते हो सलीम को तुमसे मरवाकर वो अपने रास्ते का कांटा साफ करना चाहता है। हाँ कहाँ है बिल्ला? वह कहाँ है? चंपा भाई के कोठे पर। चंपा भाई के कोठे पर। सॉरी पांडे जी, बिल्ला का असूल है कि जिसने भी उसकी शक्ल उसकी बगैर मर्जी के देख ली वो कभी जिंदा नहीं रहा। Thank you.
मुझे माफ कर दे बिल्ला, अपने 1,00,000 रुपए ले लो, 3,00,000 ले लो बिल्ला, मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, मुझे माफ कर दे बिल्ला, मुझे माफ कर दे बिल्ला, बिल्ला मुझे माफ कर दे बिल्ला, मुझे माफ कर दे बिल्ला, मां का लांडा, मेरी सारी दौलत ले ले, मुझे माफ कर दे बिल्ला। नहीं, समझने की कोशिश करो किशोरीलाल, बात पैसों की नहीं है, तुमने बिल्ला को धोखा दिया है, इसलिए तुम्हें मौत मिलनी चाहिए। नहीं बिल्ला, नहीं बिल्ला, नहीं, तुम्हें मौत। शॉप, ये फूल तो सिर्फ तुम्हारे लिए खिला है। फूल मिलेंगे? डोंट डिले प्लीज। हेलो डार्लिंग, बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो सब तो ठीक है, काम की बात करो।
काम की बात, थोड़ी देर रुक नहीं सकती? नहीं। ठीक है। फकीर आया था, कोई जगन तुम्हारे बारे में उससे पूछ रहा था। जगन? कौन है वो? एक जलील कुत्ता है, लेकिन मेरे साथ का काम हो सकता है। हेलो, कौन? वही, मुझे तुम्हारे साथ बहुत जरूरी काम है, फौरन मिलना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, कल रात 11 बजे सेंट्रल पार्क के टेलीफोन बूथ के पास पहुंच जाना। तुम्हारे साथ सिर्फ एक ही आदमी होना चाहिए और साथ में 2.5 लाख। 2.5 लाख? ये तो सिर्फ एडवांस मनी है, काम होने के बाद इसका डबल। बोलो हाँ या ना। हाँ। हेलो, पहुंच गए क्या? हाँ। तुम सिर्फ दो हो? सिर्फ दो। आगे एक पुराना कब्रिस्तान है, तुम वहां पहुंच जाओ। वहां क्यों? हम करने का तरीका है, मैं दोस्त दुश्मन किसी पे भरोसा नहीं रखता, हथियार को साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है। ओके। आज तक किसी ने नहीं देखा, तुम दो हो ना? हाँ दो। रुपया भी लाया हूं, अब अच्छी तरह सुन लो, काम क्या है? अजय को रास्ते से हटाना है, क्योंकि उसने सिंडिकेट के साथ गद्दारी की है, उसकी लड़की भी तुम्हारे कब्जे में है, ठीक है ना? इस वक्त तुम्हें कैसे मालूम हुआ? ओ बिल्ला, 20 आंखें और 100 हाथ रखता है, और कुछ कहना तो कहो। ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। बिल्ला जो कहता है वो करके दिखाता है। बैग कब्र पे रख दो। हाँ। और तुम जाओ, मुर्गे नहीं देखना। ये मां का लौंडा कौन है? हाँ? सुंदर, मेरे पार्टनर का बॉडीगार्ड, लेकिन मैं इसे अपने साथ नहीं लाया। मुझे यकीन है, नहीं तो तुम्हें भी नहीं सुला देता। जाओ। अंधेरे में ये प्राइवेट रास्ता है, वापिस जाइए वापिस। हेलो, नंबर 3 हियर। हेलो हेलो, नंबर 2 हियर। गाड़ी में एक आदमी आया था। क्या गाड़ी आई थी? क्या नंबर है उसका? गाड़ी का नंबर था TMT 3528। उसने कहा था रास्ता भूल गया हो। अच्छा ठीक है। मिस्टर किशन, रजनी को कुछ पता चला कि नहीं? हम तलाश कर रहे हैं। रोज मैं यही सुनता हूँ, आप लोग तलाश कर रहे हैं या छक मार रहे हैं? मिस्टर अजय, होश में रहकर बात कीजिए, मैं आपका नौकर नहीं सरकारी ऑफिसर हूँ। अगर आप सरकारी ऑफिसर हैं तो जवाब दीजिए, रजनी कब तक मिलेगी? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने ही रजनी को छुपा कर रखा है। अब जगन कैडो के बारे में बताइए, फिर देखिए रजनी मिलती कि नहीं। मैं कुछ कहकर अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। फिर सब्र कीजिए सर, नंबर 3 ने खबर दी है एक आदमी रास्ता भूल कर इधर आया। तुम चेक पूछ जाओ, मुझे वहां के सब डिटेल्स चाहिए। जाओ। ऑल ब्लैक एप्पल, ऑल ब्लैक एप्पल। नहीं, अलग अलग कमरे में सोने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों यहीं सोएंगे। Thank you.
यहाँ कोई खतरा नहीं है। जगन के कुत्ते हमारा यहाँ कुछ नहीं बढ़ा सकते। आराम से सो जा। कमरे को चारों तरफ से घेर लिया है, बचने का कोई रास्ता नहीं। तुम जो भी हो अपने आप को मेरे हवाले कर दो। कहाँ जा रहे हो? तुम यहीं डरो। पहुंच रहा हूं। सिक्योरिटी का इंतजाम कर दिया ना? और सुनो, हॉस्पिटल में चारों तरफ कैमरे लगा दो। यस सर। ओके सर। गोली निकाल दी गई है, लेकिन खून ज्यादा निकलने की वजह से ब्लड प्रेशर डाउन हो गया है। हार्ट की बीट भी नॉर्मल नहीं है। कुछ खतरा तो नहीं? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान पर भरोसा रखिए, 12 घंटे अगर निकल गए तो फिर कुछ खतरा नहीं है। डॉक्टर साहब, आप इन्हें बचाने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। मुल्क और कानून को उनकी जरूरत है। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। साहब, नीचे एक मैडम आपको बुला रही है। ठीक है जॉन। जी सर। तुम्हें ही जाना और किसी को बगैर सिक्योरिटी पास के अंदर नहीं आने देना। ओके सर। ओके। हाय। कहाँ डालें? बाहर नहीं गई डालें। अब तुम क्या चक्कर चला रहे हो? अरे भाई, कैसा चक्कर? मुझे तुम्हारे सिक्योरिटी वाले अंदर क्यों नहीं जाने देते? हाँ दादा, ये सरकारी मामला है। तुम झूठे हो, नर्सी बहुत है, इसलिए मुझे भगाकर सरकारी काम पर लगना चाहते हो। पागल सिंह। अरे सुनो तो सही, आजकल मैं बहुत शरीफ हूँ। राजा, मैं सच बोल रहा हूँ। सुनो, तुम ऐसे सेफ जगह ढूंढो जहाँ सरकारी काम के साथ साथ सरकारी काम। अरे बाबा, माय ड्यूटी, मतलब सरकारी काम के साथ साथ अपना भी काम चलता रहे ना। मैं जगह ढूंढू? अरे फौरन ढूंढो, मैं सिक्योरिटी वाले से कह दूंगा। जब तुम वापस आओगी तुमको कोई रोके नहीं।
इंस्पेक्टर जोशी स्पीकिंग। अजय कुमार के कमरे के सामने सिक्योरिटी ऑफिसर मौजूद है, उन्हें बुला दीजिए जल्दी। जस्ट वन मिनट मिस्टर जॉन, आपके ऑफिस से फोन आया है। यस, आप जॉन हैं? नहीं। जॉन विलियम्स? नहीं तो जॉन मैथ्यूज। हु आर यू? सिस्टर, कहाँ जा रही हूँ? मैं मिस्टर अजय को इंजेक्शन देने जा रही हूँ सर। मुझे आर्डर है कोई अंदर नहीं जा सकता। आप मेरी ड्यूटी में रुकावट पैदा कर रहे हैं सर। मेरे अंदर न जाने से मिस्टर अजय की जान खतरे में हो सकती है। मुझे कुछ नहीं मालूम, पहले सिक्योरिटी क्लियर करके आ जाइए। ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। चलो। ग्राउंड फ्लोर। नहीं नहीं, उधर नहीं बाबा, इधर चलो। इंस्पेक्टर, सब ठीक है? यस सर। पटेल, ड्यूटी पे सो नहीं जाना, कड़ी नजर रखो। यहाँ पे रहना ठीक नहीं, तुम पांच मिनट में गाड़ी लेकर आओ, मैं अजय को खत्म कर देता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। इंस्पेक्टर, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ आ तुम ऊपर जाओ। पहचानते हैं? नहीं। याद करने की कोशिश कीजिए, शायद दाढ़ी मूंछों के बगैर आपने इसे कहीं देखा हो। मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। फिर तो जगन के अलावा भी आपका और कोई दुश्मन है, वरना कोई किसी अजनबी को मारने की कोशिश क्यों करेगा? अच्छा बाबू, आप मुझसे असलियत तो नहीं छुपा रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि आपका दुश्मन किराए के कातिल से आपको खत्म करवाना चाहता है। मेरे ख्याल से इन्हें यहाँ से कहीं और ले जाकर हिफाजत में रखना चाहिए। किशन, मैंने दादी से बात की, इन्हें वहाँ फार्म पर ले चलते हैं। वहाँ 150 रिटायर्ड फौजी काम करते हैं, सबके पास रिवॉल्वर बंदूकें हैं। पहली बार तुमने अकलमंदी की बात की। एनीवे, मैं जा रहा, मेरी होने वाली होम मिनिस्टर। नमस्ते। नमस्ते।
के मालिक आप हैं? नहीं, मैं मैनेजर हूँ, मालिक पिंटू साहब है। मुझे पिंटू साहब के दर्शन करना है। उनके दर्शन के लिए तो आपको दार्जिलिंग जाना पड़ेगा, वैसे कुछ काम हो तो मैं हाजिर हूँ। मुझे एक गाड़ी चाहिए। कौन सी? मर्सिडीज एम्बेसडर पीएस टोयोटा, वो भी नीले रंग की। टोयोटा, वो भी नीले रंग की? जी हाँ, क्योंकि ज्योतिषी महाराज का कहना है जब तक शनि पर मंगल सवार ना हो जाए मुझे नीले रंग की गाड़ी में ही सवारी करनी चाहिए। मैं रिश्तेदार को बताता हूँ, वो नीले रंग की टोयोटा खाली हो तो। चलिए मेरे साथ आइए। आप जरा यहाँ एक मिनट तशरीफ रखिए। अयारों से अयारी करते हो आप? बता, कल कौन ले गया था नीली गाड़ी? वो क्या बताएगा, मैं बताता हूं। गाड़ी कौन ले गया था? सफेद बाल वाला? घूंघरेले बाल चश्मे वाला? फिर कौन? घूंघरे बाल वाला, पीली आंखों वाला। कहाँ रहा था? सीवीआर बीडी फ्लैट नंबर 801 बसोवा। अगर तेरी बात गलत निकली तो इन गाड़ियों की तरह अंजर पंजर ढीला कर दूंगा। लगता है हमारा यहाँ का प्लान भी उस कस्टम ऑफिसर ने फ्लॉप कर दिया। वो साला कुछ जरूरत से ज्यादा ही चालाक बन रहा है। अब क्या होगा? होगा क्या? और कोई नई चाल, और कोई नया आइडिया? क्या करेंगे हम लोग? तुम्हें रजनी बनना होगा। मतलब? मतलब ये कि किशन यहाँ पे रजनी के लिए जरूर आएगा और तुम रजनी बनकर रजनी के बाप तक पहुंच जाना। यू आर वेरी स्मार्ट। रजनी, आप कौन है? मैं तुम्हें लेने आया। जी जल्दी कीजिए, मुझे अपनी गाड़ी के पास ले चलिए प्लीज। क्या सोचने लगे आप? कुछ नहीं। जल्दी कीजिए ना, मुझे अपनी पास ले चलिए। जरूर ले जाऊंगा। उन्हें देखने के लिए मैं तड़प रही हूँ। भगवान ने चाहा तो आपको बहुत जल्द शांति मिल जाएगी। चलिए। नहीं, ये मेरा घर है, वहाँ बाद में चलेंगे। क्या? ये सब क्या लफड़ा है? क्या लफड़ा? हाँ लफड़ा, रोज नई लड़कियाँ लेके आते हो, क्या है ऐसे अड्डा खुला है? चलो पुलिस स्टेशन। चलो साहब, आप मेरे साथ कोने में आइए। मैं हफ्ता हफ्ता नहीं लेता, चलो महीने भर का राशन कार्ड दिखाता हूँ। आप इधर आओ, इधर आओ ना, आप मैं आपको दिखाता हूँ, कार्ड दिखाता हूँ। ये साहब का कार्ड है, साहब का कार्ड है, गौर से देखिए, साहब है ये। बाप रे, मैं नहीं हूँ, उधर है, उधर। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बताओ
सच बात तो ये है, मुझे 12 औरतें और एक बच्चा। नहीं 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 नहीं, नहीं। एक औरत और 12 बच्चे हैं, खर्चा पूरा नहीं होता है, इसलिए मुजरिमों को ढूंढता रहता हूँ। एक आध मुजरिम मिल जाए तो कम से कम हवादार बन जाओ, बस इतने ख्वाहिश है। माफ करना मुझे, मुझे माफ करना साहब, मुझे माफ करना। मैं कभी ऐसा नहीं कर, माफ करना। ए भाई, इनको समझाओ साहब को, जरा किधर गया ये? मैं इधर हूँ साहब, चले गए। हिम्मत मत हारो, साहस रखो, कामयाबी मिलेगी। घर वालों के लिए राशन चाहिए ना, ये लो राशन, इसमें भोपला है, पका के खा लेना। अच्छी बात है, साहब कितना अच्छा आदमी, नौकर भी कितना अच्छा आदमी। एक एक पर मुझ पर भारी है, जल्द से जल्द मुझे गाड़ी के पास ले चलिए, उन्हें देखने के लिए मेरा दिल बेचैन है। होना भी तो चाहिए, अब तुम्हारे अलावा उनका है भी कौन। दादा तुम एक काम करो, तुम प्रोफेसर मधु को फोन करके कहो उनकी मंगेतर रजनी यहाँ आई है। ठीक है प्रोफेसर, तुम्हें मिलकर बहुत खुश हो जाएंगे। जी मुझे मुंह हाथ धोना है, बाथरूम कहाँ है? बाथरूम की क्या जरूरत है, 5 मिनट के बाद प्रोफेसर साहब यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद हम सब तुम्हारे डैडी के पास चलेंगे। जी मुझे मतली सी हो रही है, बाथरूम कहाँ है? ओ प्रोफेसर आइए। नमस्ते जी। आइए बैठे ना। रजनी कहाँ है? मैं अभी बुलाती हूँ। किशन, रजनी, अरे मैं अभी आती हूँ। हाँ जी। किशन, रजनी, प्रोफेसर। हाँ क्या हुआ? किशन और रजनी ना जाने कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? जी हाँ। चौंक गई। मेरा बाथरूम अच्छा नहीं लगा, इसलिए देखने चला आया कि तुम्हारे बाथरूम में क्या खास बात है। शट अप, तुम यहाँ कैसे आए? जिस तरह तू रजनी की जगह पहुंची। रजनी? कौन रजनी? किस रजनी की बात कर रहे हो तुम? मैं नहीं चाहता कि अपने इन मजबूत हाथों से तेरा यह खूबसूरत चेहरा बिगाड़ दूं। सदना मैं तुम्हारा असली रूप जानता हूँ, तुम्हारा नाम बिमला है, पहले तुम टेलीफोन ऑपरेटर थी। अयोशी की जिंदगी बिताने के लिए तुमने अपने गरीब पति को छोड़कर एक पैसे वाले से अपना रिश्ता जोड़ लिया। किससे? जिसने तुम्हें बिमला से साधना बनाया है। क्या वो जगन के लिए काम करता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, सच उगलवाने के लिए मेरे पास 1000 तरीके हैं। सदना अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें धीरे धीरे जलाकर तड़पाऊं। नहीं, मुझे जान से मार डालेगा। कौन? जो हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ था। हाँ। जो हर वक्त चेहरा बदलता रहता है। जी। तो ये तस्वीर उसी की है। हाँ। क्या नाम है इसका? बिल्ला। मुझे जान से मार। सदना मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम मेरा साथ दोगी तो, नहीं तो सारी जिंदगी तुम जेल में सड़ोगी। इस वक्त बिल्ला कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, उसकी तो 1000 आंखें। क्या उसे मालूम है कि तुम मेरे घर होकर यहाँ आने वाली हो? जी। तो फिर बिल्ला यहाँ जरूर आएगा, आओ मेरे साथ। जिस तरह हमेशा फोन में बात करती हो उसी तरह बात करना। उठाओ। हेलो साधना स्पीकिंग। क्या खबर है? सब कुछ ठीक है, तुम यहाँ जाओ। आ रहे हो ना? फोन पर उसका पता बता दो। नहीं नहीं, फोन पर बताना ठीक नहीं, तुम यहाँ जाओ, मैं सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, आ रहा हूँ। बाय बाय। चॉकलेट वाला अंकल है ना, उन्होंने ये फूल भेजा है। अच्छा। नमस्ते। तुम्हारी आवाज में वफा की खनक नहीं रही। मुझे मार डालेगा वो, मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। घबराओ नहीं सदना, मैं तुम्हें पुलिस की हिफाजत में रखूंगा। नहीं लेकिन बताओ रश्मि कहाँ है? नहीं, मुझे
हाँ दादा बोलो। तुम घबराओ मत, मैं अभी आता हूँ। आ गया गुरु, देखो जगन का ताला खोल के साले वो कैसा मगन करता हूँ, मेरी उंगलियों पे चटका रहे, देखो गुरु गुरु गुरु। राजा राजा तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। अरे बाप रे, तुम यहाँ कैसे? मैं कई दिनों से अपनी स्वतंत्र राधा की आवाज की नकल उतार रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, आखिर तुम आ ही गए मेरे कृष्ण। परेशान मत कर मेरी माँ। हाय, हम आग भी बरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अरे वो गालिब की चाची, मुझे जाने दे। एक दफा सीने से तो लगने दो, मेरे मजनू, मेरे फरहान। अरे बाप रे, रोमांस करूं? अभी तो मैं तुझसे भी ज्यादा जवान हूँ। अरे तो मैं कौन सा बूढ़ा हो गया हूँ, मैं भी तो जवान हूँ। अरे भूल जाओ फरहान को, वो पहाड़ी खोद कर दूध की नहर निकालने गया है। मेरी जूलियट, मेरी रोमियो, मेरी बालकनी, मेरे साथ आओ। काली आंख वाली गुस्सा होके जाओ ना, आह मेरे पीछे क्यों आते हो, और कहीं जाओ ना। तुम साहसी हमने कहीं देखा नहीं, आओ ना। काली काली आंख वाली गुस्सा होके जाओ ना, मेरे पीछे क्यों आते हो, और कहीं जाओ ना। तुम साहसी हमने कहीं देखा नहीं, आओ ना। ना ना ना, जा जा। Thank you.
कहानी सुन ले जरा, माना बुरा हूँ पर हूँ मैं तेरा। सच्ची मुच्ची मुच्ची गुच्ची जियो जियो किसे कहो ची 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 अजियाओ ना। वाली दिल में मेरे आओ ना। चोरी चोरी तुम भी आके नैनों में छुप जाओ ना। तुम तो हंसी हमने कहीं देखा नहीं आओ ना। हाँ हाँ बाबा उधर देखो उन लफंतुओं को, बर्फ खाने की कुलियों की तरह खड़े हुए अकड़े हुए। अकड़े हुए को झुकाना मुझे आता है। सुन, जगन के गेट के सामने जैसा मैंने तुझे कहा है वैसा ही करना। ठीक समय पर एम्बुलेंस पहुंचे। शुरू हो जाता हूँ। अरे खून कहाँ से लाएगा, अपना बहाएगा? अरे हाँ बोतल का है। बोतल इधर है। अरे गुरु तभी तो तुम गुरु हो। अरे वो इधर इधर उधर आ जो रे खोपड़ी घूम गई। बचाओ, अरे बचाओ। अबे चिल्ला रहा है कि गाना गा रहा है? 10 रुपए की आवाज है, जोर से चिल्ला। बचाओ, अरे लोगों बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे भरता बन गया। अरे जल्दी से एम्बुलेंस मंगाओ। बेचारे गरीब की किस्मत कितनी है, एम्बुलेंस पीछे आ। अरे 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 क्या हो रहा है, होली खेल रहे हो क्या? होली नहीं खेली है, मर रहा है। मर रहा है? अरे मरा तो नहीं ना। अरे उधर 4 आदमी मर चुके हैं, मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब देखिए कितना तड़प रहा है, पाँव मुड़ रहे हैं। बॉक्स कस्टम ऑफिसर तो बहुत चालाक निकला,
हमेशा बिल्ला से कदम आगे ही रहता है। क्या हुआ? लेकिन बिल्ला भी कम नहीं, सबूत मिटाने के लिए उसने अपनी माछुका को खत्म कर दिया। लेकिन उससे हमें क्या फायदा, हमारा दुश्मन तो आज जिंदा है। लेकिन बिल्ला उसे एक न एक दिन खत्म करके ही रहेगा, ना जाने वो दिन कब आएगा। बिल्ला हमसे पैसे भी लेता है और हम पर रोब भी डालता है। अब तो हमारे पास सिर्फ एक ही सहारा है, रजनी। बिल्ला ने कहां शिफ्ट किया उसे? राणा पैलेस। हिफाजत का पूरा इंतजाम है? परिंदा पर भी नहीं मार सकता, हमारे आदमियों ने पैलेस को चारों तरफ से घेर रखा है। बदमाशों ने चारों तरफ से बिल्डिंग को घेर रखा है। पुलिस को उसको बुला लो। नहीं, वैसे तो मैं खुद जा सकता हूँ, लेकिन इस तरह जाने से बदमाश होशियार हो जाएंगे। पर हमें रजनी मुर्दा नहीं, जिंदा चाहिए। रजनी को पाकर ही अजय बाबू अपनी जबान खोलेंगे। फिर क्या करेंगे? तो, रजनी को बचाने के लिए भगवान खुद आ गए हैं। भगवान कैसे बचाएंगे? आओ मेरे साथ। Go, Zara, go, Zara.
चम 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 रंग उड़ा के आओ ना चम 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 आओ जरा झूमो जरा नाचो जरा जल्दी चलो यहाँ से। मुझे यही रहने दो। मुझे इस तरह टॉर्चर करने से तो अच्छा है मेरे डैडी को जाके बोलो कि मुझे जहर दे के मार डाले, मार डाले। तुम्हारा चुप रहना ही अच्छा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड। मुझे कई दिनों से तुम्हारा इंतजार था, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि इतनी देर कैसे हो गई। तुम वही तो नहीं जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है? वो तो वही, लेकिन गिरगिट नहीं, शेर। शेर पखंडियों की तरह भेस नहीं बदलता। वैसे तुम सर्कस के जोकर तो लगते हो। जब सर में मौत खड़ी हो तो हर इंसान उल्टी सीधी बातें करता है। ज्योतिषी ने कहा है कि मेरी मौत किसी हिजड़े के हाथों नहीं होगी। बकवास बंद। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो वजह का पता बता दो। क्या तुमने मुझे लॉलीपॉप चूसने वाला बच्चा समझा है कि तुम पूछोगे और मैं बता दूंगा? अजय कहाँ है सिर्फ मुझे मालूम है, और इसलिए तुम मुझे मान नहीं सकते। खबरदार, जेब से हाथ बाहर, हाथ में पिस्तौल, ट्रिगर पर उंगली, फिर भी डर गए? मरने से पहले सिगरेट के एक दो कश मार सकता हूँ? बिल्ला बहादुरों की कदर करता है, चाहे वो उसका दुश्मन क्यों ना हो। सिगरेट पी लो। थैंक यू। रजनी ऊपर है, उसे लेकर घर पहुंचो, जाओ। गुरु अपना ख्याल रखना, मेरे हाथ में कपड़ा है, मेरे हाथ में कपड़ा। कुत्तों का वहीं छोड़कर तुम आगे आ जाओ। बिल्ला, बिल्ला घूम।
मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारा घर घर नहीं, रंडी का कोठा है। क्या मांगते हो? ये देखो ट्रांसमीटर। पुलिस आकर तुम्हारे घर पर लगा गई थी और इसी की वजह से किशन वहां पर पहुंचा और रजनी को ले उड़ा। ले उड़ा और तुम वहां से गिदड़ की तरह दम दबाकर भाग निकले। बको मत, ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारी बोलते बंद कर दूंगा। बिल्ला सच्ची बात कड़वी लगती है ना जगन सेठ। इस बार बिल्ला के मुकाबले में कोई बिल्ली नहीं, शेर है मनमोहन। और तुम में उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए तो तुमने मुझे बुलाया। शेर का शिकार करना हो तो पहले चारा बांधना पड़ता जगन सेठ। मगर वो दिन कब आएगा? हमारे फांसी में चढ़ जाने के बाद अजय रजनी को देखते ही जबान खोलेगा। उससे पहले उसकी जबान हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। मगर कैसे? बिल्ला अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझता। मुझे मालूम था कि वो माँ का लौंडा मौत की तरह कभी भी टपक सकता है, इसलिए मैंने रजनी के पर्स में एक छोटा सा ट्रांसमीटर रख दिया। ये देखो, यहां से 10 किलोमीटर उत्तर में जब चाहूं उस तक पहुंच सकता हूं। बिल्ला यू आर ग्रेट, फौरन से वहां से गायब कर दो। नहीं, पहले बेटी को बाप से मिलने दो, फिर उसके बाद सबको एक साथ ठिकाने लगा दूंगा। हाथ जला दिया, आपको क्या बिगाड़ा? तुम सब मेरे दुश्मन हो। देखिए, जब से मैं आपको यहाँ लाया हूँ क्या बुरा बर्ताव किया आपके साथ? कैदी नहीं बना के रखा है, जाने क्यों नहीं देते यहाँ से? बार आपकी जान का खतरा है, माँ बाप से मिलने के बाद आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, इनसे भी नहीं। रजनी मधु, कृष्ण भैया इंसान नहीं फरिश्ता, इन्हीं की वजह से आज तक तुम और तुम्हारे माँ बाप दोनों उन शैतानों से बचे रहे। तुम्हारे पापा ने हर बुरे काम छोड़ दिए हैं रजनी, अब वो बिल्कुल बदल गए हैं। हाँ, और तुम्हारी याद में दिन रात आंसू बहाते हैं। मम्मी पापा कहाँ हैं? ये मधु नहीं, मैं बताऊंगा। गम और गुस्से ने मुझे पागल बना दिया था, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। ऐसे नहीं, बोलो भैया मुझे माफ कर दो। भैया? हाँ, क्या मैं तुम्हारा भाई बनने के लायक नहीं? ये बात नहीं है, भैया का लफ्ज सुनकर मुझे मेरे भैया याद आ गए। रजनी वो तो नहीं रहे, मगर तुम्हारा ये भाई तो मौजूद है। खून का रिश्ता ना सही, प्यार का रिश्ता तो है ना? किशन, तुम्हारी तरफ से आज मेरा दिल साफ हो गया, मुझे यकीन हो गया कि तुम सुधर गए हो। वो कैसे? पहली दफा एक जवान लड़की को अपनी बहन बना लिया। शुक्र है तुमने मुझे शरीक तो समझा। मैं मम्मी पापा से मिलना चाहती हूँ। थोड़ी देर में चलते हैं। अबे करवट, जल्दी कर। दादा सुनो। हाँ? अभी नहीं, ठीक 5 मिनट बाद इन सबको लेकर फार्म पहुंचना, मैं चलता हूँ। अरे गुरु, 5 मिनट के बाद क्यों और कहाँ चले तुम? तेरे बाप की समाधि पर माथा टेकने। अरे मर जाएंगे आप। अरे हंसोगे तो फंसोगे। तेरी आँख की भी सभा कर दूँ क्या? देखता नहीं गाड़ी सभा कर रही है। वो नन्हे लगाऊंगा ना तो खुबड़ा बन सब निकल जाएगा। कब करोगे मालिक, कब करोगे? मजाक करता है सरकारी आदमी की, देखता नहीं। अरे ये तो जमादार है। जमादार नहीं, हवलदार है। हवलदार? अरे होएगा हवलदार। अबे 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 कुबड़े, गाड़ी का सत्यानाश कर दिया। नहीं हुजूर, चमका दिया हूँ तुम्हारे थोबड़े की तरह। अबे फुकनी के अपना थोबड़ा देख, थूक के चमका रहे। अरे पायरिये की बदबू आ रही है, बत्ती सी निकल जाएगी। अस्पताल जा, अस्पताल जा। पैसे दो। थूकने के पैसे? नहीं नहीं, सफाई के। हवलदार, ये कोई हाथ सफाई करने वाला मालूम होता है? डंडा। कुबड़े डंडा, आप चला जा वरना अंदर कर दूंगा। गरीब के हक मारोगे ना तो ये पट्टियाँ नहीं रहेगी, बद्दुआ दूंगा। नहीं नहीं ऐसा मत कर, बद्दुआ मत दे, बड़ी मुश्किल से पिटिया पाई है।
आ जगन, रजनी और राधा तो घर से बाहर आ गई हैं। कहीं वो वहां पहुंच तो नहीं गया? कुछ बोल नहीं सकता, मैं रजनी का पीछा करते हुए अजय तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन कृष्ण मेरा पीछा जरूर करेगा। तुम किसी भी हालत में उसको मेरे पीछे आने से रोको। जरा हटो, मैं मस्का लगाता हूँ। एक आटा नहीं मिलेंगे भाई? क्यों, टेलीफोन कर रहा है क्या? इसको देना है भाई। तुम इसको? हाँ, ये पट्टियों के लिए। उसने ठीक कहा था, ये कुबड़ा हाथ साफ करेगा। उधर मूंगफली वाला गाड़ी लेके भाग गया, कुबड़ा लेके भाग गया। बहुत गड़बड़ घोटाला मालूम होता है। अगर दोनों में से कोई भी हाथ नहीं आया तो ये गया। बदनसीब को आपको माफ कर दिया ना बेटी? ऐसा ना कहिए पापा, मैं तो आपके कदमों की धूल हूं। आपकी आंखों में मैंने जो आज प्यार पा लिया है, अगर ये प्यार हमें बचपन से मिलता तो शायद हमसे हमारे भैया न जुदा होते, अपने घर में उजड़ता। मेरा दिल उसके गम से छलनी है बेटी, मरकर भी शायद मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगी। बीती बातों को भूल जाओ मेरे दोस्त, हर रात के बाद सवेरा होता है और तुम्हारी अंधेरी दुनिया में रजनी सवेरा बन के आई है। लेकिन राधा, किशन कहाँ है? बस आते ही होंगे। आखिर गए कहाँ है बरखुरदार? अकेले कहीं मुसीबत में न फंस जाएं। उन्हें मुसीबत नहीं घेर सकती, वो खुद दूसरों के लिए मुसीबत है। उसे दे दीजिएगा। क्या है इसमें? इसमें मेरा हल्फिया बयान है, सिंडिकेट के सारे मेंबरों के नाम और पते हैं। मैंने अपनी स्मगलिंग से कमाई हुई सारी जायदाद गवर्नमेंट के नाम कर दी है। राधा, तुम इन्हें अंदर लेके जाओ, सब होशियार हो जाओ। हिलने की कोशिश मत करना, मैं तो सबको जान से मार दूंगा। अपने अपने हथियार फेंक दो। अजय, तुम जहां भी छुपे हो मेरे सामने आओ। अगर अपनी बेटी की जिंदगी चाहते हो तो सिर्फ एक मौका देता हूं, एक। सामने आओ। नहीं पापा, मुझे मर जाने दीजिए, आपको मेरी कसम, सामने मत आना पापा। बस तीन तक गिनूंगा। एक, दो। Thank you.
हो चुका है, पिस्तौल मुझे दो। जवान, अरेस्ट हिम। हमने कहीं देखा नहीं आओ ना।